हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज शेफ अभिलाष। तो कैसे हैं आप लोग? तो पिछली बार हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया कि मसाला ड्रमस्टिक बनाओ करके। तो फिर मैं आपके लिए वो वाला रेसिपी लेके आया हूँ। आप भी अगर आपको भी ऐसा कुछ रिकमेंडेशन कर सकते हैं, कमेंट कीजिए आपको कौन सा रेसिपी चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ वो वाला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए मसाला ड्रमस्टिक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ गिने चुने इंग्रेडिएंट्स से बन जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। चलिए मैं एक छोटा सा कढ़ाई लिया हूँ। पहले मैं कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया हूँ। ज़्यादातर लोग ना ड्रमस्टिक को सांभर में ही डालते हैं, तो फिर मैं सांभर नहीं बना रहा हूँ, आज मैं आपके लिए सब्जी बना रहा हूँ। उसके साथ बेस होगा उसका टमाटर करी, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा हल्का सा करी पत्ता, हल्का सा कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरह से स्टेयर कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। आप ये वीडियो कौन से सिटी से देख रहे हैं वो सिटी का हमें कमेंट कीजिए, मैं अगली बार वो वाला उस सिटी का अच्छा सा डिश मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ज्यादा लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं हल्का सा इसमें सॉल्ट डाल देता हूँ इसमें, ताकि ऑनियन अच्छे से पके। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसको अच्छे से पकाइए। ऑनियन गोल्डन ब्राउन कलर हो गया, अब मैं इस टमाटर ऐड कर देता हूँ। मैं अच्छे से 4 से 5 बड़े वाले टमाटर को अच्छे से मैं कट करके इसमें डाल दिया हूँ। अब इसको अच्छे से कुक कर लेता हूँ मैं इसमें जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर, ये तीनों मिला के एक पेस्ट बनाया, वो अब मैं इसमें डाल देता हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब लोग इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते हैं, मगर मैं वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं डाला। उसके साथ मैं ग्रीन धनिया भी मिक्स करके अच्छे से पीस लिया हूँ मैं, ताकि उसका फ्लेवर बढ़िया सा आए करके। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल देता हूँ, मिर्ची पाउडर और कटा हुआ ड्रमस्टिक ऐड कर लेता हूँ इसमें, और स्वादानुसार नमक। अब इसको मैं अच्छे तरह से मिक्स कर लेता हूँ। अब इसको मैं स्लो फ्लेम में कुक करूंगा, तब तक भी ढक्कन लगा देता हूँ इसको, और स्लो फ्लेम में कुक करने के लिए रख देता हूँ 5 मिनट के लिए। चलिए 5 मिनट हो गया है, अब मैं इसको ढक्कन निकाल देता हूँ। ये देखिए अच्छे तरह से ये पक गया है, टमाटर भी पूरा पानी छोड़ दिया है। चलिए अब मैं इसमें मेथी पाउडर ऐड कर रहा हूँ इसमें मैं, ताकि फ्लेवर अच्छे से आए करके। और ये मैं सेसमे सीड अच्छे से रोस्ट करके इसको मैं मिक्सी मारा, अब इसमें मैं ऐड कर देता हूँ अच्छे तरह से, ताकि ये थोड़ा अच्छे से गाढ़ापन आए करके। ये देखिए अब इसमें हल्का सा धनिया पत्ता डाल देता हूँ। 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा के छोड़ देता हूँ। मसाला ड्रमस्टिक का तो फ्लेवर बहुत बढ़िया सा बन गया है, आप भी जरूर ट्राई कीजिए ये वाला रेसिपी। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।